हेलो गाइस, तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी तो हम आए हैं माउंट आबू। तो मेरे चैनल को मोनेटाइज होने के बाद मैं रिटर्न दोबारा माउंट आबू आया हूँ, और उस समय जो चीज़ें समय की कमी की वजह से पीछे रह गई थी उनको आज दिखाएंगे। कुछ पॉइंट जो है हम उस समय नहीं देख पाए थे, हमारे पास टाइम कम था इस वजह से, तो वो चीज़ें आज दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैं हूँ नक्की लीक पे, और मेरे पीछे आप देखिए जो नक्की लीक है और बड़े बड़े जो पहाड़ है वो है। और अभी हम यहाँ नक्की लीक का जो व्यू है वो देखेंगे, और फिर वहाँ जाएंगे जो सेल्फी पॉइंट है आप देख रहे हो वहाँ पे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अभी जाएंगे वहाँ पे और वहाँ का जो नज़ारा है व्यू है वो आपको बताएंगे। तो इस चैनल पे बने रहे, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये जो आप जगह देख रहे हो ये नक्की लीक के पास है। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, वो कुछ टाइम के लिए बैठते हैं और यहाँ का जो आनंद है वो लेते हैं। अभी सुबह के जल्दी है तो यहाँ पे अभी भीड़ कम है। 9 बजे के आसपास यहाँ जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, तो पहले यहाँ थोड़ी भीड़ कम रहती सुबह के टाइम में। तो अभी हम जाएंगे आगे और नक्की झील का जो नज़ारा है व्यू है वो आपको बताएंगे, क्योंकि भीड़ कम होने की वजह से आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है व्यू है वो कुछ इस प्रकार से है। और पिछली बार हम आए थे तो हम बोटिंग लेके वहाँ तक गए थे जो मंदिर है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पहाड़ है वो इस साइड में, और यहाँ पे ये जो नक्की लीक है इसके अंदर बोटिंग करते हैं। काफ़ी सुंदर अच्छा व्यू है, और अभी यहाँ से हम आनंद लेके, तो अभी हम यहाँ का व्यू देख के फिर उसके बाद में हम जाएंगे वहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे, और वहाँ का जो व्यू है नज़ारा है वो बताएंगे। वहाँ जाने के बाद आपको ये जो नक्की लीक का जो पूरा नज़ारा है वो साफ साफ दिखाई देगा, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। तो अभी आप मेरे पीछे देखिए ये नक्की लीक का कुछ नज़ारा है, तो काफ़ी सुंदर और अच्छा बना हुआ है। और सामने की साइड में ये जो बैठने के जो पॉइंट है ये है, बड़े बड़े वृक्ष है, तो इस प्रकार का जो व्यू है नज़ारा है वो बना हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं उस साइड में जो नक्की झील है वो है। नक्की झील से होके जब ऊपर आते हैं तो ऊपर की साइड में ये जो आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक आकृति जैसा पहाड़ बना हुआ है, और हम यहाँ पे आए हैं और ये देखने लायक अच्छा पॉइंट है। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट नक्की झील, तो 2 पॉइंट हम घूम गए। आगे और जाएंगे और पॉइंट बताएंगे आपको। तो यहाँ का जो नज़ारा है व्यू है वो आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी नक्की झील का जो व्यू है नज़ारा है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इस साइड में ये जो बड़े से पहाड़ है, और इस साइड में ये कुछ इस प्रकार का जो नज़ारा व्यू है, और यहाँ पे आप देखिए जो पास में सबसे ऊंचा पहाड़ है वो ये है, और यहाँ पे ये जो आकृति आप देखिए मेढक जैसी कुछ आकृति बनी हुई है। मैं थोड़ा इसको इस प्रकार से बना देता हूँ, ये देख लीजिए इस प्रकार का जो आकृति है वो बनी हुई है। तो ये काफ़ी देखने लायक अच्छा स्थान है, अच्छी जगह है। आप अगर माउंट आबू घूमने आए तो यहाँ पे जरूर एक बार आए, विजिट करें। आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊँचा पहाड़ है मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, और इस साइड में आप देख सकते हैं गहरी खाई है, और यहाँ से आप देखिए जो नक्की झील है वो इतनी दूर है, मैं इस पहाड़ पे हूँ। और ये जो पत्थर आप देख रहे हो मेढक की आकृति का वो कुछ इस प्रकार का है, और इस तरीके का जो नज़ारा व्यू है वो बना हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक छोटा सा पत्थर है बड़ा, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से आपको ये नक्की झील का पूरा व्यू अच्छा दिखाई देगा आपको। तो अभी हम गुरु शिखर आ गए हैं, यहाँ का जो नज़ारा व्यू है वो कुछ इस प्रकार से है, और ऊपर आप जो गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है वो देख सकते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। तो गाइस अभी हम जो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर वहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ का जो आप नज़ारा है व्यू वो देख सकते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी तादाद में जो टूरिस्ट लोग हैं जो यहाँ देखने के लिए आए हैं, और यहाँ से आप जो यहाँ का नज़ारा है वो पूरा इंजॉय कर सकते हैं। पूरे इस साइड में पहाड़ है, और इस साइड में आप देख सकते हैं जो बादल है वो आप हमें हमारी ऊंचाई से नीचे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ठंडी हवाएं हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। और ये जो मंदिर आप देख सकते हैं ललितेश्वरी का जो मंदिर है जो गुरु शिखर की सबसे ऊँची चोटी पर है, तो यहाँ का जो नज़ारा है व्यू है आप देखिए काफ़ी सुंदर और अच्छा व्यू बना हुआ है। इस साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो व्यू है वो है, और इस साइड में आप देखिए गहरी खाई है, आगे बादल है पूरे पूरे बादल, और पूरा साफ व्यू है। तो आपको इस वीडियो में साफ दिखाई देगा, पिछली बार जब आए थे तो ज़्यादा धुंध थी, धुंध थी, बारिश का मौसम था इस वजह से, लेकिन अभी आप साफ देख सकते हैं, बहुत सुंदर और अच्छा व्यू बना हुआ है। इस साइड में भी आप देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेड़ पौधे और पहाड़ है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो फोटो शूटिंग कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर जो व्यू है वो बना हुआ है, आप देखिए बहुत ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो ये देखिए आप कुछ इस प्रकार का जो नज़ारा है व्यू है वो बना हुआ है,
तो माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वहाँ का जो नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ठंडी हवा आ रही है जिसको मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। तो एक बार आप इस नज़ारे का आनंद लीजिए। इस प्रकार का जो व्यू है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस प्रकार का जो नज़ारा है वो बना हुआ है, आप यहाँ का जो व्यू है वो साफ साफ देख सकते हैं। तो गुरु शिखर जो माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अभी मैं उसके ऊपर वहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे का व्यू जो नज़ारा है वो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर और अच्छा जो व्यू है वो बना हुआ है। तो आपको ये व्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जो गुरु शिखर की जो चोटी के पास में एक छोटा सा पत्थर है उसके ऊपर बैठा हूं, और यहां से आप मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो पूरा देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है पूरा का पूरा व्यू है, नज़ारा है वो आराम से देख सकते हैं। और इस साइड में आप देखें तो ये गुरु शिखर का जो मंदिर है वो इसके ऊपर काफ़ी भीड़ है, आप देखिए कितने सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो अपना अपना जो व्यू है इसका जो आनंद है वो ले रहे हैं। और इस साइड में आप देखिए ये जो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, मेरे पीछे की साइड में आप देखिए ये इस प्रकार का व्यू है, बहुत सुंदर नज़ारा बना हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके का जो नज़ारा व्यू है, और वो भी जो मंदिर है दुधेश्वर जी का वहाँ पे। माउंट आबू पे मुझे सबसे अच्छा जो खिलौना लगा वो ये आप देखिए उड़ता हुआ पंछी, बहुत अच्छा खिलौना है ये। मारवाड़ी सांचोर गाइज, अभी हम जा रहे हैं हनीमून पॉइंट, और आप हनीमून पॉइंट घूमने जाए तो लोकेशन का सहारा ना ले, आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक काम करें, जब नक्की लीक पे आ जाते हो तो नक्की लीक के लेफ्ट साइड से एक रास्ता जाता है जो मेढक की आकृति वाला पत्थर है उसके पास जाता है, और उसके नीचे से एक रास्ता और जाता है वो हनीमून पॉइंट जाता है। तो आप सीधा डायरेक्ट वहीं से जाएं, दूसरी जगह इधर उधर घूमने की कोशिश ना करें क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है और आपको पैदल चलना पड़ सकता है जैसे हमें अभी चलना पड़ रहा है। तो ये है कुछ इस प्रकार का व्यू है, आप देखिए ये देखिए मार्ग में कुछ ऐसे प्रकार के जो व्यू है वो देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप पैदल चलना नहीं चाहते हैं तो ज़रूर नकली लीक के पास से होके ही जाए। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ हनीमून पॉइंट में, तो यहाँ पे लोगों ये लिखा है हनीमून पॉइंट, तो अंदर जाएंगे और अंदर का क्या व्यू है, किस प्रकार का नज़ारा है और अंदर क्या क्या जो देखने लायक जगह है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो हनीमून पॉइंट जा रहे थे, तो मार्ग में आप देख सकते हो ये जो बादल है वो इस प्रकार से जा रहे हैं, आप आराम से देख सकते हो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे बादल है जो धुंध है, बादल जो पानी की ओस बनी हुई है वो इस प्रकार से हवा में चल रही है, आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और इस साइड में भी आप देखिए इस साइड से आ रही है। ये है हनीमून पॉइंट जहाँ से अनिल को तो काट दिया है, पॉइंट पड़ा है, और अभी हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखिए पानी का झरना है वो आ रहा है और इस साइड में जा रहा है, और इसके आगे आप देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू है, आगे तक जाएंगे और देखेंगे क्या है, किस प्रकार का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है। अगर आप माउंट आबू घूमने आए, मैं पिछली बार आया था लेकिन सारे पॉइंट नहीं घूम पाया, टाइम कम था, इस बार सारे पॉइंट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो धुंध है वो यहाँ पे दिखाई देगी आपको, पूरे माउंट आबू में आप कभी भी किसी भी टाइम आइए लेकिन हनीमून पॉइंट पे आके आप देखोगे तो ये धुंध है वो दिखाई देगी। बाकी बारिश के टाइम तो हर जगह ये जो धुंध है वो होती है, बादल होते हैं, लेकिन बारिश गर्मियों के टाइम में भी आप अगर हनीमून पॉइंट आते हो तो वहाँ से आपको अच्छा नज़ारा और ठंड का जो एहसास है वो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से उस साइड में ये मंदिर है, और ये जो हनीमून पॉइंट का जो नज़ारा है व्यू है वो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का, तो आप देख लीजिए।
यहाँ से ये जो डोरी है रस्सी है उसको बांधा है वहाँ तक। बांधा क्यों है वो तो नहीं पता, लेकिन बांधा हुआ है। तो हनीमून पॉइंट आते हो तो वहाँ पे जो कुछ इस प्रकार का जो नजारा है व्यू है वो बना हुआ है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें अकेले ना आए क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का जो खतरा है वो बना रहता है, कहीं पे भी कभी भी मिल सकता है। और इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ हैं, पत्थर है वो है यहाँ पे। पत्थर को काट के बीच में से सीढ़ी बनाइए। यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू है, इस साइड में बादल है। गाइस जब हम हनीमून पॉइंट पे जा रहे थे तो मार्ग में एक ऐसा पॉइंट आया, उस पे अभी हम खड़े हैं और इसकी हाइट काफी ज्यादा है और यहाँ से आप उस साइड का जो हनीमून पॉइंट है उसका जो नजारा है व्यू है वो आराम से देख सकते हैं। और इस साइड से भी आप देखिए ये जो इस प्रकार का नजारा बना हुआ है, पानी वहाँ देखो स्टोर किया हुआ है पानी दूर तक। और इस साइड में इस प्रकार से देखो ये व्यू है वो बना हुआ है, और इस तरह से ये जो व्यू है वो बना हुआ है। और इस साइड में आप देख सकते हो जो हनीमून पॉइंट की जो मंदिर है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पे देखो पूरे जो गांव है वो दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में ये जो जंगल है माउंट आबू का वो खत्म हो जाता है और आगे आपको जो खेत है वो नजर आ रहे होंगे। वहाँ पे थोड़ी धुंध की होने की वजह से कम दिखाई देता है, लेकिन आप देख सकते हो काफी अच्छा व्यू और नजारा है और बहुत ठंडी हवा आ रही है। और इस साइड में भी आप देखिए ये इस प्रकार का जो व्यू है वो बना हुआ है, बड़े बड़े पहाड़ है और इस साइड में भी आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के जो पहाड़ है वो है। तो अगर आप हनीमून पॉइंट देखने आए तो उससे पहले लेफ्ट साइड में एक और रास्ता जाता है, वहां पे जाइए तो वहां पे आपको सबसे ऊंची ये जो जगह है कुछ इस प्रकार की वो देखने को मिलेगी और आप यहाँ पे आकर 10-15 मिनट बैठ के आराम कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है देखने लायक की। मैं यहाँ से एक पत्थर फेंक रहा हूँ, आप देखना कितनी दूर तक जाता है। वो देखिए पत्थर जा रहा है वो, वाह क्या सुंदर। ये है सिद्धि विनायक मंदिर। तो अभी हम आए हैं हनीमून पॉइंट पे, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ का जो नज़ारा है व्यू है वो कुछ इस प्रकार से है। फोटोग्राफी करने के लिए कुछ जगह है और इस तरीके का जो नज़ारा है वो नीचे की साइड में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बंदर है वो बहुत पास पास में आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान से रहना है। और इस प्रकार का जो नज़ारा है वो बना हुआ व्यू देख लीजिए आप, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और पहले हम वहाँ पे थे, आप देखिए वहाँ पे हम थे और वहाँ से अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है, नीचे भी जाया जाता है, अभी हम नीचे नहीं जाएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का नज़ारा बना हुआ है, बहुत सुंदर जगह है ये जो हनीमून पॉइंट, तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे विजिट करें। तो अभी सारे पॉइंट पे घूमकर वापस नकी लीक पे आ गए हैं, शाम का टाइम हो गया है। और अभी शाम के टाइम आप देख सकते हो नकी लीक पे इतनी सारी जो भीड़ है वो है, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और इस प्रकार का जो नज़ारा है व्यू है वो बना हुआ है। और अभी हम जाएंगे सनसेट पॉइंट, तो आपको सनसेट पॉइंट का जो व्यू है नज़ारा है वो बताएंगे। ये है भारत माता मंदिर, आप देखिए इस प्रकार का जो मंदिर है वो यहाँ पे है। तो गाइज अभी हम सनसेट पॉइंट है वहाँ पे आ गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी जो भीड़ है वो है, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पे टोटल 3-4 या लगभग 12 पॉइंट बोल रहे हैं, 12 पॉइंट है। एक ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक जहाँ मैं खड़ा हूँ और एक ये जो आप इस साइड में देख सकते हो ये है, और भी यहाँ आसपास में 1-2 पॉइंट और होंगे, तो टोटल काफ़ी पॉइंट है यहाँ पे। तो आप जहाँ चाहे वहाँ पे विजिट कर सकते हो, सभी सेम प्राइस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ इस प्रकार का जो नज़ारा है व्यू है वो बना हुआ है। और इस साइड में अभी आप देख सकते हो जो सूर्य है वो भी ऊपर है, अभी सनसेट होने ही वाला है कुछ ही देर में, तो आपको पूरा वीडियो बताएंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इस ऊपर जो पॉइंट है इस पे हूँ, और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे जो लोग है वो यहाँ का आनंद लेने के लिए आए हैं। अभी जो सनसेट है वो होने वाला है। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं उस पॉइंट पर भी काफ़ी सारे लोग है, और उसके उस तरफ जो ये पॉइंट है उस पे भी देख सकते हो आप काफ़ी सारे जो लोग हैं वो है। तो यहाँ का जो नज़ारा व्यू है वो इस प्रकार से बना हुआ है। तो अभी आपके देखते ही देखते आंखों के सामने ये जो सनसेट है वो होने जा रहा है, और ये जो सनसेट है वो अभी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो सामने सनसेट है वो हो रहा है इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो सनसेट है वो हो रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा लूँ इस तरीके से। ये जो सनसेट है वो अभी
होने ही वाला जस्ट।